यूपी में सरकारी शादी में घोटाला। 20,000 रुपए के लालच में शादीशुदा जोड़ों ने लिए फेरे। सरकारी सहायता के लिए दोबारा बजवाई गई शहनाई। सामूहिक विवाह घोटाले में 3 लोग गिरफ्तार। फायदा उठाने के फेर में पहुंचे सलाखों के पीछे। देखिए, आपने कई तरह के घोटाले सुने होंगे, कोल घोटाला, बैंकिंग घोटाला, तमाम ना जाने कितने घोटाले जो हम आपको गिना सकते हैं। लेकिन क्या आपने शादी घोटाला सुना है? जी हाँ, शादी घोटाला हुआ है। शादी जैसे पवित्र बंधन में भी लोग घोटालेबाजी करने से बाज नहीं आते। शादी में घपलेबाजी का ये मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा से आया है। पूरे मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए कैसे सरकारी शादी में योगी सरकार को चूना लगाया गया। धरती पर शादी के बंधन को सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। 7 फेरे के साथ 7 वचन लिए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर पवित्र बंधन में बंधते हैं। लेकिन पैसों के लालच में कुछ लोगों ने इस पवित्र बंधन को भी दागदार कर दिया। मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा का है। 24 फरवरी को यूपी सरकार की सामूहिक विवाह योजना में 66 जोड़ों की शादी करवाई गई। बाद में खुलासा हुआ कि चीती नगला गांव के 10 जोड़े जो पहले से शादीशुदा थे, वो भी नए दूल्हा दुल्हन बनकर सरकारी लालच के चक्कर में फेरे लेने पहुंच गए। 20,000 रुपए के लिए दोबारा शादी करने वाली लक्ष्मी से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उसका कहना था कि हाल ही में शादी हुई थी, इसलिए पति के कहने पर दोबारा शादी कर ली। बताया था शादी, मतलब वहाँ पे स्वामी विवाह हो रहा है, फॉर्म भर गया, वहाँ पे जाना है बस। आपने पूछा नहीं कि दोबारा शादी के लिए क्यों जाए, पहले शादी हो चुकी है? तो अभी तो हुई, ज्यादा दिन पहले नहीं, मेरे अभी हुई थी, इसी समय। शादी में फर्जीवाड़े की पड़ताल के लिए जब नवभारत टाइम्स अखबार की टीम ग्रेटर नोएडा के चीती नगला गाँव पहुँची तो वहाँ उनकी मुलाकात इस बच्चे से हुई। ये बड़ा है, बड़ा भाई है, क्या नाम तेरा? और पापा का नाम? रविंदर। और मम्मी का? बबीता। इस बच्चे के माता पिता रविंद्र और बबीता गांव की उसी 10 जोड़ियों में से हैं जिन्होंने सरकारी पैसे के लालच में दोबारा शादी रचाई। यूपी सरकार की सामूहिक शादी योजना में सरकार की तरफ से 20,000 रुपए गहने और नए जोड़े के रोजमर्रा के सामान दिए जाते हैं। सरकारी शादी में गड़बड़ी के खुलासे से हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 दूल्हों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने गलत अपनी पात्रता शो करते हुए उसमें प्रतिभाग लिया था और जो सामान मिला था या जो रुपए लिए थे उसका गबन का प्रयास किया था। 2 दूल्हों के साथ गाँव के प्रधान के पति धर्मेंद्र की भी गिरफ्तारी हुई है जिसने इन लोगों की शादी करवाई थी। धर्मेंद्र शादी में घोटाले की अलग ही कहानी बता रहे हैं। धर्मेंद्र के मुताबिक उसने गरीब लोगों की मदद की थी। जिन शादीशुदा लोगों ने दोबारा शादी की उन्होंने पहले से शादीशुदा होने की बात छुपाई थी। आरोपी धर्मेंद्र का कहना है कि घोटाले की बात गलत है क्योंकि अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। जब इनके वो बहनों ही नहीं आई जिनकी 12 तारीख को शादी होनी थी, तो इन्होंने अपनी बहन के लिए खुद फेरे ले लिए। मुझे इस बात की जानकारी कल हुई जब अपनी बहन के साथ इन्होंने फेरे लिए, नहीं और अपनी मिसेज के साथ। अच्छा, अपनी बहन को दहेज देने के लिए। अच्छा, गरीब आदमी अपनी मिसेज को दिखा दिया इन्होंने। जी, इसमें मुझे वहाँ पे इतनी जानकारी थी नहीं कि क्या क्या मामला हुआ। 20,000 रुपये का चेक अभी तक कोई कुछ नहीं मिला, एक प्रेस, एक सिलाई मशीन और 2 जोड़ी कपड़े लड़की के देने का। सरकारी शादी में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सरकारी अधिकारी घर घर जाकर जांच में जुट गए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।